कॉनिचुआ एवरीबॉडी और स्वागत है आपका एकदम ब्रांड न्यू लेजेंड निपुन की वीडियो में। तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले एकदम ब्रांड न्यू लेजेंडरी पोकेमोन की, जो अभी एकदम ब्रांड न्यू आया है पोकेमोन गो में, तो उसी की हम लोग डीप एनालिसिस करने वाले। और हाँ, वो आपको पता ही है वो कौन सा पोकेमोन है। हम लोग एनालिसिस करने वाले जर्नियस की, तो बिना किस देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जर्नियस, जिसका कि पॉकेडेक्स नंबर है 760, ये सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था हमें कैलोस रीजन में। ये कैलोस रीजन का लेजेंडरी पोकेमोन है और कहे तो मेरा फेवरेट लेजेंडरी पोकेमोन है। ये एक फेरी टाइप पोकेमोन है जिसे कि डिसएडवांटेज होता है स्टील और पॉइजन टाइप से, और कह सकते हो थोड़ा सा फायर टाइप से भी होता है, लेकिन मेनली कहे तो स्टील और पॉइजन टाइप से इसे डिसएडवांटेज होता है। और इसकी एडवांटेज की लिस्ट थोड़ी बड़ी है, तो इसे एडवांटेज होता है फाइटिंग, बग और डार्क टाइप पोकेमोन से, और डबल एडवांटेज होता है ड्रैगन टाइप पोकेमोन से। जी हाँ, डबल एडवांटेज ड्रैगन टाइप पोकेमोन से। और जानते ही हो ड्रैगन टाइप कितने ज़्यादा यूज किए जाते हैं जीबीएल में, तो आप इसके खिलाफ जर्नियस का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। और इसके बेस स्टैट्स की बात करें तो इसका अटैक है 250, एचपी है 246 और डिफेंस है 185। ये पहले बहुत ही ज़्यादा था लेकिन अब कम कर दिया गया है, मतलब जर्नियस गॉट नर्फ्ड, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि इसकी सी पी ए स्टैट्स वगैरह कम कर दी, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इतना ही है, लेकिन तो भी अच्छा खासा है अभी। और आपको वेदर बूस्टेड रेड में मैक्सिमम इसकी सी पी देखने को मिलेगी एकदम 100, अभी अगर हो जाता है तो इसका मैक्सिमम सी पी होगा 2701। और नॉर्मल ऐसे ही अगर नॉन बूस्टेड रेड है तो उसमें आपको मैक्सिमम इसकी सी पी देखने को मिलेगी 2160। ओके, और इसका रेड बूस्ट होता है क्लाउडी वेदर में। और इसके बॉडी वॉक डिस्टेंस की बात करें तो वो है 20 किलोमीटर, तो मतलब आप अगर बॉडी बनाते हो तो आपको पर 20 किलोमीटर पर एक कैंडी और लेवल 40 के अबव प्लेयर्स को एक एक्सल कैंडी भी साथ में देखने को मिलेगी। और क्योंकि ये लेजेंडरी पोकेमोन आप तो जिम में नहीं डाल सकते, और सेकेंड अगर चार्ज अटैक इसे सिखाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 1 लाख स्टार्डस लगेगा प्लस 100 जर्नियस की कैंडी लगेगी। और इसकी लेवल 50 पर मैक्स सीपी होती है 4275। पहले इसकी लेवल 50 पर मैक्स सीपी 5000 प्लस थी, लेकिन अब इसे कम करके कर दिया गया है 4275। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ फास्ट अटैक के बारे में। इसके पास टोटल 2 फास्ट अटैक है, जो कि टैकल और जेन हेडबट। ओके, और चार्ज मूव्स की बात करें तो वो हैं मेगा हॉर्न, क्लोज कॉम्बैट, गीगा इम्पैक्ट, थंडर और मून ब्लास्ट। तो आप सोच सकते हैं इसे गीगा इम्पैक्ट आता है, जो कि बहुत ही रेयर मूव है और पावरफुल मूव है। आपको तो याद ही होगा ग्लाइड स्कोर करना जानता था एस केचम का, और गीगा इम्पैक्ट जिसे भी लगता था उसके तो भाई छक्के छूट जाते, मतलब आपको याद ही होगा कितना पावरफुल अटैक है। तो इसमें से आपको जो भी अटैक पसंद आए, आपकी मर्जी, आप उस अटैक्स को यूज कर सकते हो जीवीएल में। और इसके कुछ काउंटर्स के बारे में बात करते हैं, मतलब अगर आप इसकी रेड करते हो तो आप किन पोकेमोन का यूज करके इसे बहुत ईजिली डिफीट कर सकते हो। तो वो पोकेमोन है गेंगार या मेगा गेंगार, जो भी कहें, मेटाग्रोस, डीएलगा, जेनेसेक्ट, एक्सकेड्रेल और रोजरेट। तो ये पोकेमोन बहुत ईजिली डिफीट कर सकते हैं जर्नियस को। तो आप डुवो या और रेड वगैरह करना चाहते हो जर्नियस के, तो इन पोकेमोन का यूज करो तो शायद आप कर लो, तो वो भी आप डिफीट कर दोगे। लेकिन पहले तो नहीं डिफीट कर पाते क्योंकि इसकी सीपी बहुत ही ज़्यादा हाई थी, लेकिन अब कम होगी तो आप शायद कर भी लो ड्रियो रेड वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। इसे लाइफ पोकेमोन के नाम से जाना जाता है। उसकी एबिलिटी है फेरी ऑरा, और ओरिजिनल जो इसका बेस स्टैट है, मतलब ओरिजिनल पोकेमोन गो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसका जो ओरिजिनल बेस स्टैट है वो है 680। मतलब सोच ही सकते कितना ज़्यादा है इसका बेस स्टैट, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेस स्टैट है। वैसे लेजेंडरी पोकेमोन है तो होना भी चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बस पहले हो गया आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार एक लाइक करते हुए जाना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या करो, जल्दी से सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर डाल दो। और कमेंट बताना जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, मतलब क्या कमी लगी और क्या कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा, तो वो आप कमेंट कर देना जरूर। और अपने भाइयों के साथ शेयर करने एकदम खुल के भाई शेयर करो, अपने दोस्तों, परिवार, भाई, जो भी है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो, जो पोकेमोन गो खेलते हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलना। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।